हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी घर पर डोनट बनाया है? दोस्तों, डोनट बनाना बहुत ही आसान है और हम मार्केट से भी टेस्टी डोनट घर पर आसानी से बना सकते हैं और घर पर ही अवेलेबल चीज़ों से। तो चलिए आज कुछ हम नया सीखते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया है, ग्राम में देखेंगे तो 250 ग्राम, और 1/2 कप चीनी बूरा लिया है। चीनी का पाउडर तैयार करने के लिए आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। 120 ग्राम चीनी का पाउडर ले लिया है और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, करीब 1 चुटकी, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स जो लेंगे फ्रेंड्स, इसको हम बढ़िया से छान कर लेंगे ताकि आपस में बहुत अच्छे से आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। तो इसे हमने अच्छे से छान लिया है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे, रिफाइंड ऑयल फ्रेश होना चाहिए। यदि आपके पास फ्रेश दही है तो फ्रेश दही का ही यूज़ करें। दही डाल लेते हैं हम, तो इसमें ईस्ट वगैरह की डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यह हमने बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। यदि आपका ज़्यादा खट्टा दही है तो थोड़ा सा ही दही ऐड करें ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो, और पानी की हेल्प से आप इसको इसका डो तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा इसका डो टाइट नहीं होना चाहिए और ना तो बहुत गीला, मीडियम रखना है। तो यहाँ पर बढ़िया से देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है। यदि हाथ में चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेते हैं, हाथ पर लगा लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसका बढ़िया से डो तैयार हो गया है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है। तो इसको हम ढककर 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देते हैं। अभी ठंड का सीज़न है तो इतना देर रख सकते हैं। ऐसा करने पे अच्छा इसमें खमीर सा उड़ जाएगा, फूल जाता है, बढ़िया सेट हो जाता है। और यदि आप गर्मी का सीज़न है तो 1 घंटे में ये बढ़िया से तैयार हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं, करीब 2 से 2.5 घंटे बाद इसको देखा तो इसके देखिए ये ऐसा हो गया है जैसे खमीर उठता है ना, उसी तरीके से ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाएंगे ना घर पर तो सोडा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर रखा ही रहता है, उससे आसानी से बना सकते हैं, ईस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए बढ़िया से ये सेट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब हम रोटी जिसमें बेलते हैं पटे बेलन से, ये देखिए मोटी सी लोई बना लिए हैं, थोड़ा मोटा ही इसको बेलेंगे। पटे पे हम थोड़ा सा मैदा ले लेते हैं ताकि ये नीचे चिपके ना, और इसको हम बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है फ्रेंड्स, एक तरफ से इसको हम बेलते जाते हैं, थोड़ा इसको मोटा ही रखेंगे। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए, मोटा है ना साइड से, तो एक इक्वल साइज में बेलना है, ऐसा नहीं कि कहीं से पतला कहीं से मोटा। और ऐसे यदि आपके पास ढक्कन है तो ढक्कन से इसको हम ऐसे सर्किल में कट कर लेंगे, गिलास वगैरह से आप किसी भी साइज से आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से हम कट करते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमारे सारे डोनट्स एक ही शेप में बनते हैं। हाथ से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और टाइम टेकिंग भी रखता है वो। तो ये देखिए आसानी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा जो ये आटा हमने निकाला है, तो इससे आप डोनट फिर तैयार कर सकते हैं। ये छोटा सा ढक्कन ले लिया है ताकि इसमें बीच में होल कर लें। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। ये जब मैं ये सब काम करती तो मेरी बेटी है ना जो, वो बड़े इंटरेस्ट लेती है, वो ज़रूर कभी कभी उसका हाथ भी आपके साथ दिखता होगा। बहुत ही प्यारा डोनट अच्छे शेप में आ चुका है। तो इस तरीके से हम सारे डोनट बनाकर तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, और ऐसे में आसानी से बन भी जाते हैं। जैसे आप इससे कट करेंगे ना ढक्कन वगैरह से, तो बहुत जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हम एक साथ सारे डोनट बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे डोनट एक ही शेप में बन भी जाते हैं। तो चलिए हम रिफाइंड ऑयल रख दिए हैं गैस पे और इसको हम गर्म हो जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको गर्म कर लिया है। उसके बाद स्लो कर दिया है, छोटा सा हमने मैदा का बॉल बनाकर डाला। तो देखिए ऊपर साइड आ रहा है, ऐसे इसका इतना हीट होनी चाहिए हमारी कढ़ाई। और इसमें हम सारे डोनट एक एक से इसमें डालते जाते हैं, और इसमें हमें स्पून नहीं चलानी है फ्रेंड्स। ये आप देखिए थोड़ी देर बाद ये खुद ही ऊपर आने लगेंगे,
और जब नीचे हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इस समय हमको गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है या मीडियम रखें, और जब ये हल्के नीचे से ऐसे गोल्डन हो जाए उसके बाद हम इसको दूसरे साइड भी ऐसे पलटा देंगे। तेज पे यदि हम अच्छी तेज कढ़ाई हो जाएगी और उसे ऐसे गर्म ऑयल में डालेंगे ना, तो हमारे अच्छे से अंदर तक नहीं डीप फ्राई हो पाते हैं हमारे डोनट। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो इस तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं, ऐसे सिंपल भी खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, या आप डेकोरेट करके भी खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट वगैरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, वो ज़्यादा डेकोरेट होते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। हमने सेकेंड वेज को भी डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। ये ऑटोमेटिक जब नीचे से हल्के गोल्डन ब्राउन होंगे ना फ्रेंड्स, उसके बाद ही हमें इसको पलटाना है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बच्चे भी। ढक्कन से कट किया है ना, तो एक ही शेप में बनकर तैयार हो रहे हैं, और थोड़ा सा मोटा बनाया था, तो देखिए कितने अच्छे फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे हमने पूरा जितने भी डोनट थे इनको हमने डीप फ्राई कर लिया है। और अब यदि आपको डोनट को डेकोरेट करना है फ्रेंड्स, जैसे वो मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो ये हमने डार्क चॉकलेट ले लिया है, डार्क चॉकलेट मिलता है मार्केट में अमूल वगैरह का, और ये वाइट चॉकलेट। अब इसको मेल्ट करना है फ्रेंड्स, इसमें हमने अच्छा गर्म दूध डाल दिया है, दूध अच्छा गर्म होगा तो तभी ये मेल्ट हो पाएगा, लेकिन ठंड के सीज़न में जल्दी मेल्ट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप डबल बॉयलर मेथड से इसको मेल्ट कर सकते हैं, या आप इसको ओवन माइक्रोवेव में भी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। इसको हमने ये सब पानी अच्छा गर्म कर लिया कढ़ाई में और इसमें रख दिया है, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसकी आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको इसको पतला गाढ़ा करना है, यदि पतला करना है तो आप इसमें गर्म मिल्क ऐड कर दें। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। यदि आपको डेकोरेट करना है तो आप ऐसे दूध के पैकेट ले लें, या अमूल वगैरह के ये दूध के पैकेट आते हैं ना, तो आधा लीटर वाला हमने दूध का पैकेट ले लिया है, और एक साइड हमने छोटा सा होल कर दिया है, और अंदर हमने ये पैकेट को पोंछ दिया है, एक साइड अच्छे से कट कर लिया है ताकि इसमें क्रीम वगैरह भर सके। अब ये हम इसको डेकोरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे आप डार्क चॉकलेट वगैरह या वाइट चॉकलेट से अच्छे से इसको डेकोरेट कर देंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं। यदि आपके पास स्प्रिंकल वगैरह है तो उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसी हमने कॉर्न बना लिए है दूध के पैकेट से, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें, सच में खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने आसानी से बनकर तैयार हो जाता है ना डोनट, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसे बिल्कुल देखिए मार्केट स्टाइल में भी बनकर तैयार हो गए हैं। यदि आप सिंपल खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिए।